इस मिठाई को देखकर आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मिठाई सूजी से बनी है। जी हाँ, आज हम इस चमचम मिठाई को सूजी से बनाकर तैयार करेंगे। ये बनाने में तो आसान है ही, साथ ही खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। इस मिठाई को आप किसी भी त्यौहार या किसी भी खास अवसर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। नमस्कार, मैं करुणा और आपका स्वागत है मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं इस खास मिठाई को। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून शुद्ध घी और इसे गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप बारीक दाने की सूजी। इस सूजी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से रोस्ट करना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे हमें हल्का सा भुनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और ये देखिए इस तरीके से हमें सूजी को भून लेना है। यदि आपके पास मोटे दाने की सूजी हो तो आप उसे ग्राइंड कर लें ताकि ये जो मिठाई बनेगी उसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा बारीक दाने की सूजी से। इसलिए हम इसे बारीक दाने वाली सूजी से ही बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद ये हमारी सूजी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 यानी 1.5 कप मैंने दूध डाला है इसमें, यानी जिस नाप से हमने सूजी ली थी उसी नाप से 1 कप दूध और आधा हमने इसमें दूध लिया है। 1.5 कप दूध लेके इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसे डो फॉर्म में लाना है, इसको बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर और इसे भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर अच्छे से इसमें मिल ना जाए, जब तक हमें इसे पकाना है। और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और ये देखिए अच्छे से बिल्कुल डो फॉर्म में आ गया है। और अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये देखिए बढ़िया, बस इतना ही, ऐसा ही इसे हमें डो तैयार करना है सूजी का। और इसको अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया है और इसकी थोड़ा अभी गर्म है तो इसे अभी हम इसी तरह से रख देंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा गर्म है। और अब चलिए हम स्टफिंग के लिए हम लेंगे ये 1/2 कप दूध और साथ ही लेंगे 2/3 कप ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है और इसे हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें ऐसे मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इसको कंटिन्यू 3 से 4 मिनट हम इस तरह से पकाएंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, एक जैसे मावा होता है उस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप फ्रेश मलाई। यदि आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर लें। और ये देखिए हम इसको मलाई के साथ अच्छे से फिर पकाएंगे। इस तरीके से हमें घोलते हुए पकाना है और देखिए 4 से 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और ये देखिए मावे जैसा बिल्कुल हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और ये मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और डालेंगे 1/4 कप मैंने शुगर ली है इसको मीठा करने के लिए। यदि आप मीठा कम पसंद करते हैं तो शक्कर की मात्रा आप कम कर लें। और ये देखिए मैंने इन सभी सामग्रियों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बहुत ही बढ़िया सा हमारा फीलिंग तैयार हो रही है। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून चोको पाउडर लिया है मैंने और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये चोको मावा बनकर तैयार हो गया। इसे भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब चलिए हम ये हमारा सूजी का डो है इसे हम देख लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। ये देखिए बहुत बढ़िया से स्मूथ हो गया है। और अब हम थोड़ा सा घी लगाकर हाथ में इसको एक छोटी सी इसकी लोई लेंगे हम मीडियम साइज़ की इस तरीके से और इसमें एक बीच में से इस तरह से फैलाते हुए और जो हमने ये मावे की स्टफिंग बनाई थी इसको हम थोड़ा सा लेंगे और ये देखिए इस तरीके से और इसमें हम इसको भर देंगे ये इस तरीके से और इसको हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे इस तरह से पूरा अच्छे से हम कवर करेंगे और इस तरह से हम इसे गोल कर देंगे। एक भी क्रैक ना रहे इस बात का ध्यान रखें, इसको अच्छी तरह से आप दबाते हुए ऐसे भर दें। ये देखिए इस तरीके से हम, मैं एक और आपको तैयार करके दिखाती हूँ। एक आप मीडियम साइज़ की लोई लें और इसको इस तरह से दबाते हुए हाथ तेली पर फैला लें और फिर ये आप, हमने जो ये चोको पाउडर से जो ये हमने मावा
की स्टफिंग तैयार की थी वो उसमें हम इस तरह से भरेंगे और फिर इसको कवर करेंगे इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से कवर कर देंगे और ये, और फिर इसको हम अच्छे से गोल करके ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे इस तरीके से, देखिए अच्छे से, और एक भी क्रैक ना रहे। इस तरीके से हम सारी चमचम बनाकर ये तैयार कर लेंगे। देखिए बढ़िया से ये हमने तैयार कर ली है। अब चलिए इसे हम चाशनी में पकाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया ये एक कप शुगर और इसी में उसी नाप से एक कप मैंने पानी डाला है और ये आधा कप यानी डेढ़ कप हम पानी लेंगे। हमने एक कप शुगर लिए तो उसमें डेढ़ कप हम पानी लेके इस शुगर को अच्छे से गला लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारी चाशनी को हमें तार वाली नहीं बनाना है, बस शक्कर घुल जाए उतना इसे हमें पकाना है। और एक एक करके हम ये जो सूजी की चमचम हमने बनाई थी इसमें हम डाल देंगे ये इस तरीके से, और इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। देखिए 5 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से फूल जाएगी और जो हमने अंदर स्टफिंग भरी है उससे ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मीठी बनी रहेगी इस तरीके से। देखिए हम फिर 5 मिनट के लिए ढक रहे हैं और मैंने इसको लगभग 10 मिनट इस तरह से पकाया है। और देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ये सूजी की मिठाई बनकर तैयार हुई है और ये अच्छे से पक भी गई है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और अब चलिए हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये लिया है पाउडर, ये देखिए ये आप नारियल का चूरा लिया है मैंने, उसको आप इस तरह से ऊपर अच्छे से कवर कर दीजिए। और देखिए कितनी बढ़िया मिठाई लग रही है देखने में और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी बनी है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सी लग रही है, इसको हम पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसको पिस्ता से गार्निश कर दिया है और ये आप इसको चाशनी के साथ इस तरह से सर्व कीजिए। देखिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी बनी है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। यदि आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ऐसी ही कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे चैनल माँ की रसोई विद करुणा पर। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।